हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो व्हाइल लूप को लेकर के है। जी हां दोस्तों, पाइथन में हम व्हाइल लूप का कैसे यूज करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर लेवल की वीडियो है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन हमें ओपन करना होगा। आईडीई आपके पास होनी चाहिए पाइथन की। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मेरा सिस्टम 32 बिट का है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड किया है। यहां से फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। आप कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस करते हैं न्यू फाइल को लाने के लिए। अब यहां पर एक वेरिएबल मैं बनाता हूं काउंट नाम का, ठीक है। इसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और अभी इसमें इनिशियलाइज कर रहा हूं जीरो। चलिए नीचे आते हैं। अब यहां पर व्हाइल लूप लगाऊंगा मैं, तो लिखा मैंने व्हाइल। और वाइल लगाने के बाद एक और जो हमने वेरिएबल बनाया है ऊपर काउंट नाम का, उसको यहां लिखता हूं काउंट, ठीक है। और करता हूं इसको इज लेस देन 7। मैं यहां इसको लेस देन 7 टाइम चला रहा हूं। कितने टाइम? लेस देन 7। और यहां पर कोलन लगा दूंगा, ठीक है। फिर नीचे आऊंगा। अब यहां पर हमें लिखना है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। ये हम दे देंगे यहां पे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 दे दिया हमने। और अब नीचे आएंगे। अब यहां पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, हमें प्रिंट लगाना है। और क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहां पे देना है, ठीक है। मैं यहां देता हूं कंप्यूटर एंड ये दे दिया हमने। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एल्स की कंडीशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमने प्रिंट दे दिया, अगर ये प्रिंट हुआ तो ठीक है। एल्स में मैं क्या दे देता हूं, यहां पे एल्स में दे दूंगा, इसको थोड़ा इधर कर लेंगे हम, वाइल उधर आया हुआ है तो इस वजह से। एल्स में हम यहां पे दे देंगे प्रिंट। मैं यहां पर सूरज गुरुजी दे देता हूं, ये वो लिंक है जिसको आप गूगल पे सर्च करके सारी वीडियोस आप वहां से भी देख सकते हैं। सूरज गुरुजी सर्च कीजिएगा, पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजी का आएगा, उसको आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, यहां पर हमने इसको सेव करा। तो सेव करते समय ध्यान रखिएगा, यहां पे ये लूप के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूं, loop.py किया मैंने। py पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो यहां से हमने कर दिया इसको। अब हमको रन पे जाना है सिंपली, और यहां से रन मॉड्यूल पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन कितने टाइम प्रिंट होकर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम प्रिंट हो रहा है। और सूरज गुरुजी कब प्रिंट हो रहा है, 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। आपको ये बात आई होप की समझ में आई होगी। यहां पर मैंने एल्स लगाया हुआ है, मैं आपको फिर दिखाता हूं। ये देखिए सूरज गुरुजी ये कितने टाइम प्रिंट होगा, यहां पे लगा हुआ है ये व्हाइल लेस देन 7, ठीक है। और यहां देखिए मैंने लिखा है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। n की 8 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो लास्ट में जो एक्सीक्यूट होगा वो ये वाला स्टेटमेंट एक्सीक्यूट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।